नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशव ट्रेडिंग कंपनी में। आपको पता है चाय पत्ती के व्यापार संबंधी बातें इस चैनल के माध्यम से हम करते रहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं इस व्यापार की जानकारी। आज के इस खास पेशकश में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बहुत सारे लोग जो है हमसे यही पूछते हैं कमेंट्स के माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से कि व्यापार हमें भी शुरू करना है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये बड़ा सवाल है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए अगर आप इस व्यापार में आ रहे हैं कि जब आप चालू करें तो आपको किन किन सामानों की जरूरत इस व्यापार को करने के लिए पड़ती है। तो ये वीडियो आप लोग आखिर तक देख लीजिए, आप लोगों को सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए होती है जब आप इस व्यापार को चालू कर रहे हैं। और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट का सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को जो है मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मशीनरी की तरफ। स्टार्टिंग हम मशीनरी से करते हैं कि कौन सी मशीन की आवश्यकता आपको इसमें पड़ने वाली है। तो कैमरामैन भैया थोड़ा सा पीछे जाएंगे और आप लोगों को वन बाय वन करके बताएंगे। देखिए ये दो मशीनें मैंने यहां पर रख रखी है, ये जो मशीन है इससे आप लोग पैकिंग कर सकते हैं। तो एक तो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है इस वाली मशीन की। ये मशीन मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये सारे जो सामान है अगर ये आपको नहीं मिलते हैं मार्केट में, आप जहां से हैं वहां नहीं अरेंज हो पाते हैं, तो उसके लिए भी जो हमने आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा जहां पे आप फोन करके और इन सारी चीजों का रेट पता कर सकते हैं और कितने दिन में आप तक पहुंचेगी ये चीज पता कर सकते हैं। तो पहली मशीन तो ये हो गई, ये इजीली सिंगल फेज सप्लाई से चलती है और कोई इसमें ज्यादा साइंस है नहीं, आराम से आप लोग इससे जो है पैकेट पैक कर सकते हैं। दूसरी मशीन आती है दोस्तों, ये वाली मशीन आती है, देखिए इस तरीके से मशीन चलती है और ये मशीन है एमआरपी प्रिंटिंग करने वाली मशीन। इसको आराम से आप देखिए इस तरीके से जो है सिंपल प्रेस वाली मशीन है। इसमें आप लोग जो महीने में आप पैक कर रहे हैं वो महीना सेट कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की एमआरपी सेट इसमें आराम से कर सकते हैं। आप जो भी साइज का पैकेट पैक करते हैं उस साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है और अलग अलग डेट भी इसमें चेंज की जा सकती है। तो दूसरी आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है इस बैच कोडिंग मशीन की। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है आपका वेट मशीन, जिससे आप पैकेट का वेट करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट साइज का एक वेट मशीन दिखा रहा हूं जो कि ऑनलाइन भी मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो आप मंगवा सकते हैं। ये आप 1 किलो कैपेसिटी से लेके 5 किलो, 5 किलो से 10, 10 से 20, 30, 50, 100 kg आपके व्यापार के अकॉर्डिंग इस तरीके का जो है वेट मशीन आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये वेट मशीन जो है अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये 5 kg कैपेसिटी का है और आप जितना कैपेसिटी में लेना चाहें उतने कैपेसिटी का वेट मशीन आप लोग ले सकते हैं। तो यहां पे ये तीन तो आपको मशीनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मशीनों के बाद में आपका जो आता है वो आता है आपका पैकेजिंग मटेरियल। ये देखिए यहां पे मैंने जो है वेरियस टाइप के जो है पैकेजिंग मटेरियल आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल में इस तरीके के प्लेन पाउचेस भी आप लोग मंगवा सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने एक पैकेट आप लोगों के लिए भर के भी रखा हुआ है, तो भरने के बाद कुछ इस तरीके का ये पैकेट जो है वो दिखता है। तो इस तरीके के जो है प्लेन पाउचेस भी आप लोग मंगवा सकते हैं और वेरियस टाइप के प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप लोग चाय पत्ती व्यापार की शुरुआत में मंगवा सकते हैं। तो यहां पे हमने अभी तक बात की आप लोग तीन तरीके की मशीनें मैंने आपको दिखाई और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि आपके प्रोडक्ट को आप लोग पैक कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपको अरेंज करनी है चाय पत्ती अरेंज करने से पहले। ऐसा नहीं कि आप चाय पत्ती घर पे लेके आ गए और उसके बाद में आप लोग मशीन खरीद रहे हैं उसके बाद में पहुंच खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आपका माइंड सेट क्लियर है कि आपको काम करना है तो ये सारी चीजें या तो आप लोग पैरेलल मंगवा सकते हैं या फिर आप लोग जो है इनको पहले अरेंज करें और फिर आप लोग चाय पत्ती की खोज करें। तो ये आपका मैंने बताया आपको इस तरीके का जो है पैकेजिंग मटेरियल वेरियस टाइप का है, ये प्रिंटेड पाउच है, तो इस तरीके के बहुत सारे पैकिंग मटेरियल जो है वो मार्केट में उपलब्ध है, ये आप लोग मंगवा सकते हैं। तो चौथी आपकी आवश्यकता होगी ये वाली। अब जो लास्ट जो चीज बचती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रॉ मटेरियल जो कि चाय पत्ती। चाय पत्ती देखिए ये मैंने रखा हुआ आपको एग्जांपल के लिए, ये यहाँ पे देखिए चाय पत्ती आप लोग देख रहे हैं। ऐसी चाय पत्ती अलग अलग ग्रेड में आती है और बहुत सारे ग्रेड से मिलकर एक ब्लेंड बनता है, तो आप लोग जैसा परचेज करना चाहो वैसा आप लोग जो है चाय पत्ती परचेज कर सकते हैं। तो पांचवा पॉइंट हो गया आपका रॉ मटेरियल चाय पत्ती। चाय पत्ती आप लोग कहां से मंगवा सकते हैं? चाय पत्ती देखिए आप लोग जब कम क्वांटिटी में बाई करते हैं तो आपके नियर बाय किसी होलसेलर से आप लोग चाय पत्ती परचेज करें। जब आप लोग 100, 200, 500, 1000 किलो अगर परचेज करना है आपको तो आप अगर किसी बड़ी सिटी से है तो वहां इजिली मिल जाएगी, या फिर आप नियर बाई सिटी है आपके कोई तो आप लोग वहां से जाके जो है चाय पत्ती किसी होलसेलर से सैंपल मंगवा सकते हैं और सैंपल मंगवाने के बाद में चाय पत्ती परचेज कर सकते हैं।
मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग 2, 4, 5, 10 बैग लेने के लिए आसाम जाएं या फिर वैष्णो मंगल जाएं, ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आप लोग कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है तो आप अपने नियर बाय आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। आपको चाहिए रॉ मटेरियल, आपको चाहिए पैकेजिंग पाउच, आपको चाहिए पैकेजिंग मशीनरी। मशीनरी भी मैंने तीन प्रकार दिखाए आपको, ये सब जो है बहुत लो कॉस्ट है, कोई बहुत ज्यादा इनकी कॉस्टिंग नहीं है, आराम से आप लोग अरेंज कर सकते हैं और ये एक जगह से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देख रहे हैं उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, वहां से आप लोग ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एक साथ मंगवा सकते हैं। उसके बाद में आपका छठा नंबर आता है आपका फूड लाइसेंस का। फूड लाइसेंस आप लोग लोकल अथॉरिटी से संपर्क करके और वहां पे बनवा सकते हैं, सिंपली बेसिक रजिस्ट्रेशन करा के, और आप इस चाय पत्ती व्यापार को शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग आप लोग जनरेट कर सकते हैं। इसकी सप्लाई कैसे करें, इसमें मार्केटिंग कैसे होती है, सैंपल कैसे दिए जाते हैं, सैंपल कैसे चेक किए जाते हैं, इन सारे विषयों पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और वो सारे वीडियोज भी जरूर वॉच करें ताकि आपको इस बात का आइडिया हो सके कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे चाय पत्ती को चेक करनी है, कैसे इस मशीन को आप देख रहे हैं तो इससे पैकिंग कैसे किया जाता है, इससे एमआरपी कैसे लगाई जाती है, ये सारी चीजों पर भी हमने वीडियोज बनाए हैं। हर एक छोटी बात को लेकर हमने वीडियो बनाए हैं चाय पत्ती व्यापार के लिए ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से विस्तृत रूप में समझ सकें। और इसी तरीके की और भी वीडियोस आप लोगों को आगे मिलती रहेंगी जिनका भी आप लोग फायदा उठाते रहें। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियोस को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चाय पत्ती व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए लाभदायक रहे। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई अगर आपको और जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें और लगातार बने रहें हमारे साथ केशव ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। नमस्कार।